तो ये है हमारा खेत और इस पे हमने बो रखा है सक्या और गंदरानी और मम्मी यहाँ पर काम कर रही है। और इस पे अभी जो है हम लोग हल जोत रहे हैं। इस पे अभी हमने बहुत सारा चीज़ें बोना है और सामने पे जो है पंचाचुली का इतना खूबसूरत सा नज़ारा है। तो अभी जो है मौसम ख़राब होने के कारण वो पूरा ढक चुका है। इस पे हम बोएंगे खूब सारी सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी जो है यहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है, काफ़ी अच्छा मौसम बन चुका है यहाँ पे। तो गांव के सेकंड दिन पे ही जो है हमें बर्फ़ देखने को मिलता है और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो मैं होती हूँ, पर उस समय जो मैंने अपना वीडियो नहीं बनाया और मैं इसको देखती ही रह गई और धीरे धीरे करके शाम भी होने लग गई। और अभी जो है बर्फ़ जो है बहुत ही कम हो गया है। अब तो देखिए भाई ये बर्फ़ भी बंद हो जाती है, अभी हल्की सी और आने लगी है और देखते देखते रात हो जाती है और हम लोग सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो देखिए जो बर्फ़ थोड़ी रात को पड़ी थी वो पिघल चुकी है और सिर्फ ये पहाड़ों में ही रहती है। और देखो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ से, हाय चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ है। और मैं जाती हूँ यहाँ से बाहर और देखो नज़ारा, वो चेक आउट, हाय क्या सीन है ना धर्म का। मन करता है बस देखते रहूँ। जब गांव जाते हैं ना, सही में गांव से आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। हाय और सामने पे क्या ही कहूँ, ये पंचाचुली। तो हम देखने के लिए आ गए, पंचाचुली का नज़ारा है चारों तरफ, कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए सामने पे है ये बॉर्डर। तो इस बॉर्डर पे रहते हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने का। बस आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए हमारे साथ। गांव में सभी लोग ऐसे गड्ढे बनाकर इस पे आलू रखते हैं और इसे सेफ ही रहता है ये। कैसा हो रहा है? तो अभी इस पे जो है ये भैया गए हुए हैं, इस पे से जितने भी आलू हैं हम सारे खाली करते हैं। तो इस पे के अंदर 2 या 3 लोग तो जा सकते हैं। तेरा पत्ता गिर गया, कर कर। अंदर कंफर्टेबल हो रहा है? मजा आ रहा है? मजा ही तो आ रहा है। पूरे 2-3 लोग अटक सकते हैं अंदर। खड़े हो फिर? हाँ अभी तो भाजू रहे, खड़े हो मिनाओ। मिनाओ तो चल क्या, रुक जा, रुक रुक जा, ए रुक। धर्मा वैली में आप लोगों को ऐसे गड्ढे देखने को मिलेंगे और जिस पे आलू और मूली रखा जाता है। और अभी हम लोग निकाल रहे हैं इसमें से मूली, क्योंकि आलू हमने सारा निकाल दिया है, अब बारी है मूली की। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रखा जाता है, अब इसको पूरा निकाल देंगे हम। सारी मूली और आलू निकाल दिया है। तो अब इस गड्ढे को बंद करते हैं, पूरा कवर करना है इसको। मैं डाली तो मिट्टी लाओ।
तो हमारा काम जो है पूरा हो चुका है, और आप देख सकते हैं सामने पे ये जो पत्थर रखे हुए हैं और ये वाला भी, ये सारे जो है गड्ढे बना रखे हैं। अंश चलो हमें एबीसीडी सुनाओ। ते बा पिला छु बा। मैं तो जा रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं खेत में। वो लोग वहां पहुंच गए थे एक जंगल। तो देखिए हमारे खेत में जितने भी घास थे हमने वो सारा साफ कर दिया, और सामने पे देखिए पंचाचूली कितना सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा ये वाला व्लॉग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस व्लॉग को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही व्लॉग मैं आगे भी लेके आऊँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।